मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। डीसी का शहबाज शरीफ अस्पताल और हेल्थ सेंटर का दौरा। डीसी ने अद्वियात की फराहमी और स्टॉक का मुआयना किया है। मरीजों को तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी, इसकी हिदायत की गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। डीसी की जानिब से अद्वियात के स्टॉक को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और यहाँ आने वाले मरीजों की तादाद जो है वो रोजाना हजारों में है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को शिकायत मौसूल हो रही थी कि जो अद्वियात है उसका स्टॉक जो खत्म हो गया, उसके साथ साथ इंसुलिन के जो मरीज हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और मुदस्सिर रियाज मलिक ने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के साथ और उनके साथ जाकर जो अस्पताल है उसका जो स्टॉक चेक किया अद्वियात का और रजिस्टर चेक किया और स्टोर में जो अद्वियात हैं उनको क्या। इस हवाले से उनका कहना था कि स्टोर में जो तमाम तर अद्वियात हैं वो वाफर तादाद में मौजूद हैं और इस हवाले से इनका तमाम कंप्यूटराइज जो रिकॉर्ड है वो रखा जा रहा है। इसके साथ साथ और जो तमाम तर मशीनरी यहाँ नस्ब की गई है शहबाज शरीफ अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में है तो बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल है और इस हवाले से यहाँ जो अमला तैनात है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जा रहा है और जिले इंतजामिया की तरफ से मुल्तान के शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम करना तरजीहात में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, तफसीलात से अपडेट करने का।